हाय फ्रेंड्स, आई एम शिल्पानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर बीइंग एमआईए फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई होप कि अब मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग दे पाऊँ। आप सबको दिल से थैंक यू इतना कंसर्न दिखाने के लिए और इतना सारा प्यारा प्यारा मैसेज के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। तो आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। और अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कहीं तो हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं हमारा एक ट्रिप शेयर कर रही हूँ। होप यू विल एंजॉय द वीडियो। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फॉल कलर्स देखने के लिए। ऑटम के टाइम पे यानी कि अक्टूबर के टाइम पे ट्री सबका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि पत्ते सबका कलर चेंज होके रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे हो जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे यहाँ पे भी होता है हम लोग जहाँ पे रहते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। और वो जितना ऊपर जाओ उतना ज़्यादा रहता है कलर, यानी कि माउंटेन सब में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एसविल, जो कि है एक हिल स्टेशन, और वहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे जाएंगे ग्रैंडफादर माउंटेन के पीक पे। अब हम लोग एसविल पहुंच गए हैं और हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं होटल कंट्री इन में। तो अब चलते हैं और जल्दी से चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैवल के बाद थोड़ा थकान हो गया है। तो चेक इन हो जाएगा तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हबी चेक इन कर रहे हैं और हम माँ बेटी बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। और ये है हमारा रूम जहाँ पे हम नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए स्टे करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आप सबको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग इवनिंग को थोड़ा घूमने निकल गए हैं और साथ ही डिनर करके आ जाएंगे। और अभी शाम का वक्त है और टेम्परेचर 0 डिग्री हो रखा है यहाँ पे। तो जल्दी से जाके हम लोग डिनर करके आ जाएंगे रूम में। यहाँ पे चाय पानी करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर और बहुत भीड़ रहता है हमेशा। तो हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं वहाँ। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी वेटिंग चल रहा था। तो हम लोग पूछने गए तो पता चला कि हमें वेटिंग नंबर 40 मिल रहा है, मतलब 1 to 2 आवर्स का वेटिंग। और ऐसे नहीं था कि बस इंडियन ही थे वहाँ पे, अमेरिकन, मैक्सिकन सब भी लाइन पे थे। फिर हम लोग प्लान को ड्रॉप किए और एक दूसरा रेस्टोरेंट पे चले गए डिनर करने के लिए। और फिर डिनर के बाद यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इवेंट चल रहा था, तो वो थोड़ा देखा। Thank you.
ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट पे आ गए हैं नीचे। उसके बाद रेडी होके निकल गए हैं अभी होटल से ग्रैंडफादर माउंटेन जाने के लिए, जो कि यहाँ से भी और ऊपर है और 2 आवर्स तो लग ही जाएगा। हम यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो एक ही साथ निकल रहे हैं ग्रैंडफादर माउंटेन के लिए, मेन जो फॉल कलर होता है वो देखने के लिए। वैसे लोग हर साल जाते हैं डिफरेंट माउंटेन पे फॉल कलर देखने के लिए, बट लास्ट ईयर हम लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि क्रिस्पी छोटी थी, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा फॉल कलर देखने का किसी माउंटेन पे जाके। और रास्ते में बीच बीच में हाईवे से जब उतर रहे थे तो छोटे छोटे गांव के अंदर से होते हुए जा रहे थे हम लोग, और नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है, कहीं पे भी देखो पेंटिंग जैसे ही लग रहा है। जैसे हम लोग बचपन में पेंटिंग सब करते थे, घर होता था साथ में ट्रीज, ऊपर बड़ा बड़ा क्लाउड, और बिल्कुल वैसे ही मानो किसी ने एकदम से पेंटिंग करके ही रखा हो। यहाँ पे भी कहीं पे ग्रेप्स का फील्ड, तो कहीं पे पहाड़ों के बीच छोटे छोटे क्यूट क्यूट से घर, तो कहीं पे बहुत सारा क्लाउड, तो कहीं पे हरे भरे खेतों में गाय का चरना। फिर हम लोग जैसे जैसे माउंटेन के ओर जा रहे थे तो रोड के दोनों साइड पे सारे ट्रीज येलो होके बहुत सुंदर लग रहा था, और उसमें से थोड़ा थोड़ा धूप के अंदर आना और पत्ते का झड़ना काफ़ी सुंदर था। अब हम लोग ग्रैंडफादर माउंटेन पे पहुंच गए हैं। हम लोग बिल्कुल पीक पे तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे ही नीचे थोड़ा घूम ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रुके और कुदरत के सुंदर सा कलरफुल पेंटिंग को थोड़ा अच्छे से एंजॉय किए, और थोड़ा फोटोज भी क्लिक किए सब साथ में मिलकर। और उसके बाद वहाँ पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट पे लॉन्च किए और फिर एसवेल के लिए निकल गए। और इसी के साथ ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट करना और बहुत सारा प्यार देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।